कैसे मालूम करें कि मेरे ऊपर हज फर्ज हो गया है? कितने लोगों को मैं देख रहा हूं ऐसी उम्र में हज को आ रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। सुभान अल्लाह, मैंने कई बार तुम्हारे सामने कहा है, एक मिसाल, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम, किताबें लिखे हैं, वो पहले हज में मेरे साथ थे, हरम में पहली मंजिल पर मैं और वो असर के बाद बैठते, ईशा के बाद वापस आते। वो मुझे कहते थे बाजू बिठाकर, अब्दुल खदीर, बहुत बड़े उम्र में भी बहुत आगे हैं वो, सुभान अल्लाह, अभी भी जिंदा है अब्दुल खदीर। मुझे मालूम था हज जवानी की इबादत है, क्या लफ्ज, हज जवानी की इबादत है, और मुझे यकीन भी था। मैं जब यहां आया तो मुझे ऐनुल यकीन हो गया, क्या बोलते हैं लफ्ज उनके, लिखते थे ना किताबें, तो वही अल्फाज हैं। जब मैं यहां आया तो मुझे ऐनुल यकीन हो गया, आंखों देखा यकीन, ऐनुल यकीन किसे बोलते हैं, आंखों देखा यकीन हो गया। क्या जी, मेरे जैसा आदमी, उस वक्त इतनी भीड़ भी नहीं थी, मेरे जैसा आदमी चलकर हराम का तवाफ कर सकता है? बच्चों की जिम्मेदारियां अदा करते करते करते, उन्हें पढ़ाकर, उन्हें बड़ा बनाते बनाते, मैं उम्र के इस मरहले में आ चुका हूं, आज मेरी एक, मेरा एक पैर काम नहीं कर रहा है, मैं यहां आकर भी खाने काबा का तवाफ नहीं कर पा रहा हूं। जब तक कोई मुझे सहारा ना दे, मैं खाने काबा का भी तवाफ नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, ये चार पांच बातें जहन में रखें, इंशाल्लाह हो सकता है, मेरे जुमा का वक्त हो चुका है, मैं अपनी बात इंशाल्लाह खत्म कर लेता हूं। पहली शर्त है हज को जाने के लिए मुसलमान होना, ठीक है। दूसरी शर्त, ये हम सब हैं अल्लाह के फजल करम से, दूसरी शर्त है अकल का होना। पागल आदमी अगर करोड़ों की भी दौलत है, उस पर हज फर्ज नहीं है। तीसरी शर्त है बालिग होना, बच्चे पे हज फर्ज नहीं है। सुभान अल्लाह जी। चौथी जो शर्त बताई गई है, सुभान अल्लाह, वो है आजाद होना। ये चार भी तकरीबन सब में हैं, हम आजाद भी हैं, हम बालिग भी हैं, हम आकिल भी हैं, और हम मुसलमान भी हैं। चार बातें तो सब में पाई जाती हैं, समझ लो अल्हम्दुलिल्लाह, एक में हम अटके हुए हैं, एक में हम अटके हुए हैं, चार तो हम सब में मौजूद हैं, आकिल, बालिग, मुसलमान, सुभान अल्लाह, सब हैं आजाद। एक शर्त है, वो है इस्तितात का होना। क्या लफ्ज है, क्या लफ्ज है, इस्तितात का होना। अगर मैं इसे जरा नहीं खोलूं तो आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं जानता हूं। नमाज के बाद मेरा गिरेबान होगा, तुम्हारा हाथ होगा। इस्तितात तो बोल दिए, उसे जरा खोल को नहीं बोले तुम्हें, हमेशा ऐसा करती हैं तुम्हें, हदीस पूरी बोलते नहीं, आधी बोल को चले जाती हैं, जुमा छोड़ को। जी हां, इस्तितात में क्या होता है, अज़द व राहिला, जाने के लिए सवारी का इंतजाम रहना और सफर का खर्चा रहना, दो ही बातें, सफर का खर्चा हमारे पास हो और सवारी का, उस जमाने में सवारियां थी, आज टिकट है, टिकट का इंतजाम हो, सफर के लिए अखराजात हमारे पास मौजूद हो, जिसम हमारा साथ दे रहा हो। अगर कोई बहन है, कोई औरत है, गौर से सुनो मेरी बहन, गौर से सुनो, महरम का होना जरूरी है, अगर ये आ गया है तो फिर हज हमारे ऊपर फर्ज हो चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर हज तुम पे फर्ज हो चुका है, जाने में जल्दी करो। सुभान अल्लाह, जाने में जल्दी करो, नहीं मालूम कि क्या चीजें आने वाली हैं, क्या लफ्ज है नबी का, अल्लाह अकबर, नहीं मालूम कि आइंदा हालात क्या होने वाले हैं, कोई बीमार हो जाएगा, कोई रुकावट आ जाएगी, इसलिए जब हज फर्ज हो जाए तो फौरन चले जाओ। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तबारक व ताला, जो इस साल हाजी हजरात जा रहे हैं, अल्लाह ताला इखलास के साथ उन्हें हज करने की तौफीक अता फरमाए।